पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगी है, लोग सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी में आग थोड़ी ना लगी है, उसकी झोपड़ी में आग लगी है। आदमी निश्चिंत तो हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो आग वहां से चल करके तेरी झोपड़ी तक आने वाली है। वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति ने इस बात पर विचार किया, सारी दुनिया को एक कुटुंब माना, एक परिवार माना, और ये विचार किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना कही, सबके कल्याण की कामना करी। लेकिन हम इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं, हम इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान, इतने बेईमान हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो प्रार्थना में भी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। कौन बोले भाड़ में प्रार्थना कर रहा है? मालवीय जी प्रार्थना कर रहा है, आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मैं सुखी रहूं, मेरा बीवी बच्ची सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तरुण सागर ये बताने के लिए मौजूद है, दुनिया भाड़ में जाए ना जाए ये उसका भाग्य होगा, लेकिन बोलने वाला तू भाड़ में जरूर जाएगा, क्योंकि तू विचारों से गिर गया, भावनाओं से गिर गया, संकल्प से गिर गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसलिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना में दुनिया का कल्याण की भावना होना चाहिए, पड़ोसी के कल्याण की भावना होना चाहिए, सबके कल्याण की भावना होना चाहिए। हम भगवान से बोलते जरूर है, हे भगवान सब सुखी रहे, लेकिन पहरा लम्बर मेरा हो, हम सब सुखी रहे लेकिन उसमें पहला नंबर मेरा हो। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सोच बदलिए। कल भी मैंने कहा था सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा, अपने को बदलिए, समर्पण में जीने की आदत डालिए, बात बात में तर्क मत करिए। तर्क से विवाद होते हैं, कलह होती है, झगड़ा होता है, सासू ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू। सासू ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू, और हम तर्क करने के आदि हो गए। पति ने पत्नी से कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा क्यों, पति बोला क्योंकि मुझे नहाना है, पत्नी बोली चाय पीने के लिए होती है नहाने के लिए नहीं, पति बोले जब तुझे मालूम है तो क्यों क्यों पूछती है।